ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल अच्छे करवाए, बिजली 200 यूनिट फ्री कराई, महिलाओं को DTC बसें फ्री दी। परिभाषा बदल दी है, सब नेताओं को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। केजरीवाल जितना काम तो 70 साल से किसी ने किया ही नहीं। जनता अपना समर्थन देगी। आप लोग कह रहे हैं ईमानदार है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जनता अदालत कर रहे हैं। ऐसे में पहली जनता अदालत 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर की गई, तो दूसरी जनता अदालत दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। वहीं तमाम लोगों की मौजूदगी भी और जनता जनार्दन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं जनता अदालत को लेकर के। नाम क्या है आपका? वरुण राज सिंह। वरुण जी, केजरीवाल का कहना है कि पिछले 10 साल में उनके पास अपना कोई घर नहीं है, क्या कहेंगे आप? वाकई नहीं है उनके पास अपना घर नहीं है। जो बीजेपी वाले चिल्लाते थे कि शीश महल अरविंद केजरीवाल ने इतना कर दिया, ये कर दिया, इतना पैसा लगा दिया, तो आप ये समझे कि उनके लिए जो घर है, सीएम हाउस है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। वो एक एज ए कार्यकर्ता, एक साधारण MLA के भूमिका निभाते हुए एक नॉर्मल घर पे जाकर वो रह रहे हैं। आप देखिए कि सांसद जी ने खुद अपना कहा है कि हमारा घर ले लो। इवन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि अरविंद जी जिस घर में, हमारे घर में आ जाएं, उन्होंने वेलकम किया था। तो बहुत ये बहुत एक साधारण सा एक लेसन गया है कि जो शीश महल था उसको भी ठुकरा के उन्होंने छोड़ के ये साबित कर दिया है कि वो घर जो है उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया था, वो CM दिल्ली के लिए था। आज वो ex-CM हो गए हैं, तो उन्होंने छोड़ते वक्त देरी नहीं लगाई। Within 2 हफ्ते ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए आपके हिसाब से क्या पैमाना होना चाहिए? आपके सामने ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उन्होंने CBI को फटकार लगाई है कि वो एक, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दीजिए। जब मुझे जनता चुनेगी तब मैं CM की कुर्सी पे बैठूंगा। इतना बोलना ही बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान में कौन से CM है जिसको इतना बोलने का मतलब डेयरिंग हो कि इतना बोल सके कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट दो। आज किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में चले जाओ, CM से बुलवा के दिखा दो कि अगर ईमानदार है तो वोट दिलवा दे। चलिए, नाम क्या है आपका? ऋषिराज सागवान। अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है अब तक? अरविंद जी ने जो काम किया है वो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया है। क्या किया है ये पूछे हैं, क्या नहीं किया वो नहीं, क्या किया है ये तो आप भी जानते हैं कि अरविंद जी ने। हम क्या जानते हैं क्या नहीं, आप बताइए ना क्या किया। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल अच्छे करवाए, और महिलाओं के लिए DTC बस फ्री करवाई, और अब महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने जा रही है। ये अरविंद जी के राज में ही हुआ है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने झूठे वादे किए, चुनावी पंच मारे, काम नहीं किया। काम तो बहुत किया, आप आके देखिए। आपने देखा होगा काम क्या किया? मैं बताता हूँ काम क्या किया। आपने देखा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, पानी फ्री कराया, बिजली 200 यूनिट फ्री कराई, महिलाओं को DTC बसें फ्री दी, युवाओं को नौकरियां दी, और CM की जो काम होते हैं वो सारे उन्होंने बेखूबी निभाए हैं। और जो दूसरे राज्य हैं वो इनको कॉपी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भाजपा जो है कहीं भी इलेक्शन हो रही है वहाँ पे ऐलान कर रही है कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। अब इन्होंने एक फॉर्मूला सेट कर दिया अरविंद जी ने। अब पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनके CM हैं, चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो योगी जी हों, वो देखो इनको कॉपी कर रहे हैं। हम ये देंगे, हम हेल्थ ठीक करेंगे, हम शिक्षा ठीक करेंगे। तो आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक उदाहरण सेट कर दिया है कि देश कैसे चलेगा। ये दिल्ली एक उदाहरण है। और अरविंद, आपको क्या लग रहा है कि ईमानदारी के जो तथ्य अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं वो कितने विश्वसनीय हैं? देखो जी, कितने विश्वसनीय हैं, हाथ कंगन को RC क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसमें बताने की जरूरत है। पहले दिन से, जिस दिन से केजरीवाल जी ने कदम रखा है राजनीति में, राजनीति की परिभाषा बदल दी है। सब नेताओं को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले कभी कोई नेता AC से बाहर नहीं निकलता था, आज देखिए कोई सेवा करने में लगा हुआ है, कोई झाड़ू मारने में लगा हुआ है, और कोई गरीबों के साथ रोटी खाने में लगा हुआ है। केजरीवाल जी राजनीति का जो इन्होंने एक बदलाव लेकर आए हैं, आज अभी मेरे मित्र ने बताया कि कॉपी कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लीडर इसकी कॉपी कर रहे हैं और इनकी सराहना करते हैं। बाहर से जो लोग आए उन्होंने बताया, आकर केजरीवाल जी को मिलते हैं स्पेशल आकर, और उनसे कुछ बातें करके सीखना चाहते हैं कि हम भी अपने देश में जाकर इसको फॉलो करें।
केजरीवाल सीएम आवास खाली करने के बाद और जनता की अदालत लगाने के बाद आप अरविंद केजरीवाल को ईमानदार नेता मानते हैं? हम तो पहले दिन से और क्यों मानते हैं। और मैडम फिर मैं बोलूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली की जनता, जो दिल्ली का दिल है, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए धड़कता है और इसका पूरा आप देख सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार और इस बार चौथी बार, इस बार बीजेपी को पूरे अच्छे से बताएंगे। 63 सीटें इस बार देखिएगा कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी वालों को। इस बार पूरी जमीन दिखा देनी है। वैसे उनके भाग्य में दिल्ली है नहीं, मगर अच्छे से इस बार जमीन दिखाएंगे उनको। क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ दिया, जनता की अदालत लगाई, ईमानदार नेता है या नहीं? ईमानदारी का सबूत एक ही होता है, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की बात करो तो इतने काम कर रखे हैं, कामों की भरपूर लिस्ट है, जो पूरे भारत में 29 स्टेट है, इतनी टेरिटरीज है, उसके बाद भी इतने काम कर रखे हैं। तीर्थ यात्रा योजना एक अलग काम है, ठीक है। डाक सेवा जो हॉस्पिटल से मिलती है, एक्सीडेंट हो जाए किसी का उसका इलाज, इस तरीके के काम एक अद्भुत काम है जो बिल्कुल अलग नजर आते हैं दिल्ली के अंदर। लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम आवास छोड़ा, लेकिन अब तक उनके पास कोई खुद का घर नहीं है। खुद का घर उन्होंने अपने तक बनाया ही नहीं है। उन्होंने बोला सब पब्लिक का है, जो पब्लिक का सब पब्लिक का ही रहेगा, पब्लिक का ही रहेगा। मैं जिसके घर मर्जी ठहर सकता हूँ, पब्लिक का घर है उनके। केजरीवाल ईमानदार नेता है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी सीट छोड़ने के बाद दिखाया है, ऐसा कोई काम नेता नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो ईमानदार नेता है, तभी इतनी इकट्ठी भीड़ हुई है उनके सपोर्ट में, उनके हित में। केजरीवाल ने काम किया है कि नहीं? केजरीवाल जितना काम तो 70 साल से किसी ने किया ही नहीं। अभी बसों में मार्शल लगाए केजरीवाल ने लगाए, मोहल्ला क्लिनिक करे केजरीवाल ने करे, बसों में लेडीज के लिए टिकट फ्री करी केजरीवाल ने करी, पानी फ्री किया केजरीवाल ने किया, अस्पतालों में दवाई दी केजरीवाल ने दी, किसी ने दी? ये बातें पहले के किसी पॉलिटिशियन ने सोची होगा तो कहते देश को लूट के खाएगा। ईमानदार विधायक दिए केजरीवाल ने, शिवचरण गोयल जी एक ईमानदार विधायक है, अलग छवि है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि अपने आप ही आ जाती है। अब किस तरीके से जनता अपना समर्थन देगी? आप लोग कह रहे हैं ईमानदार है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया, उन्होंने अपना सीएम हाउस छोड़ा है। ऐसे कोई नहीं छोड़ता और किसी को अपनी सीट देता, आजकल के टाइम में तो कोई भी नहीं देता। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे हैं, उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ किया है। किस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल को ईमानदार देखते हैं, जो वो लगातार अपना सीएम आवास भी छोड़ चुके हैं, जनता की अदालत में लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का सबूत आज यहाँ पर मौजूद भीड़ है, जो कि आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में एकत्रित हैं, और अभी आने वाले टाइम पे अभी थोड़े समय में लाखों की तादाद यहाँ आपको नजर आएगी। तो देखिए, ये दिल्ली की जनता है जो कह रही है कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने किए वो काम किसी ने नहीं किए, वो ईमानदार है। और ऐसे में अब देखना था कि आखिर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली के सीएम के पद पर बैठाती है। फिर तो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।